गुड मॉर्निंग एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल रंगरेज क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए जानते हैं ट्यूमर किसे कहते हैं। जब किसी के शरीर में या शरीर के किसी भी अंग में पेशी साधारण कीमत से बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं, तो उसे हम ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर का माप यानी साइज बड़ी या छोटी हो सकती है। उसका माप ट्यूमर कौन से प्रकार का है उस पर निर्भर करता है, और ट्यूमर शरीर में कहीं भी हो सकता है। ट्यूमर के तीन प्रकार होते हैं, बेनाइन ट्यूमर, प्रीमैलिगेंट ट्यूमर, मैलिगेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर, यह ट्यूमर कैंसरस नहीं होता है, मतलब इससे हमें खतरा नहीं होता है या बहुत कम होता है। यह ट्यूमर बढ़ते और फैलते नहीं है या बहुत धीरे धीरे बढ़ने और फैलने लगते हैं। अगर डॉक्टर ने एक बार इसे निकाल दिया तो ये लौट कर नहीं आते। दूसरा है प्रीमैलिगेंट, इसमें भी सेल कैंसरस नहीं होते हैं पर फिर भी बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है, और यह मैलिगेंट में बदल सकते हैं। तीसरा है मैलिगेंट, यह ट्यूमर कैंसरस होता है, इससे सेल बढ़ते हैं और शरीर में कहीं भी फैलते हैं। यह हानिकारक होता है, इसमें जान जाने की संभावना होती है। उदाहरण लिया जाए तो कार्सिनोमा, सार्कोमा। फिर भी बेनाइन ट्यूमर प्रीमैलिगेंट में बदल सकता है, और फिर मैलिगेंट में इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब भी ट्यूमर के लिए रिसर्च चालू है। आइए जानते हैं ट्यूमर की कॉजेज के बारे में, मतलब वो किस वजह से होता है। पहला पॉइंट, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन। हमारे पर्यावरण में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे सेहत के लिए अच्छे होते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। अगर ऐसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, वो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए अगर उसे इंटेक कर लिया, तो उसकी वजह से हमें ट्यूमर हो सकता है। जब हम कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए अगर अंदर गया, तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचता है और ब्लड सर्कुलेशन से पूरे बॉडी में फैलता है। तो इन्वायरमेंटल टॉक्सिन से बचने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप जब भी बाहर निकले तो एंटी पॉल्यूशन मास्क पहनकर बाहर निकले। सेकेंड पॉइंट, जेनेटिक्स। अगर किसी के परिवार या वंश में किसी को ट्यूमर रहा होगा, तो संभावना है कि उस परिवार के किसी व्यक्ति को ट्यूमर हो सकता है। थर्ड पॉइंट, डाइट। अगर आप बराबर से खाना नहीं खाते हो या जंक फूड ज़्यादा खाते हो सकता है कि उसमें ट्यूमर सेल से आपको कैंसरस हो जाए। फोर्थ पॉइंट, स्ट्रेस। स्ट्रेस से भी कैंसर हो सकता है, और स्ट्रेस से सिर्फ कैंसर नहीं, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो उसके वजह से हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट, लोकल ट्रॉमा। ये एक इंजरी का ही टाइप होता है, यानी जख्म का ही टाइप होता है, तो इसकी वजह से भी ट्यूमर हो सकता है। सिक्स पॉइंट, इंजरी। अगर आपको कहीं पर जख्म है तो उस वजह से भी आपको ट्यूमर या कैंसर हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कैंसरस कौन से प्रकार के होते हैं। कॉमन टाइप्स ऑफ कैंसर्स, स्किन कैंसर, कोलोन कैंसर, लंग्स कैंसर, लिम्फोमा, बेसल सेल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया मतलब जब खून तेजी से बढ़ने लगता है, जिससे टिश्यू भी बढ़ने लगते हैं, जैसे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक, एक्यूट मिलोइड। आप जानते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी उसके लक्षण क्या है। तो पहला है पेन इन बोन्स, हड्डियों में दर्द होना, डिग्जीनेस, चक्कर आना, फटीग, थकावट लगना या कमजोरी आना, फीवर, बुखार आना, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगना। तो अब जानते हैं उसके लिए कौन सी ट्रीटमेंट दी जाती है। उसको ठीक करने के लिए अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट दी जाती है, जैसे मेडिकेशन, उसमें है कीमोथेरेपी,
कैंसर सेल को खत्म करने के लिए दवाई दी जाती है। उसमें दूसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसमें ब्लड ट्रांसफर किया जाता है। और दूसरा है मेडिकल प्रोसीजर, इसमें किसी व्यक्ति के स्टेम सेल को निकाल के दूसरे स्टेम्स लगा दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जाना ट्यूमर के कौन से प्रकार होते हैं, उसके लक्षण क्या है और उसको ठीक करने के लिए कौन सी ट्रीटमेंट दी जाती है। और दोस्तों, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।